तो सुपर स्मार्ट लड़का देखा भाई, इतना हैंडसम लग रहा था। रुको तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्कूटीज रोकना अलाउड नहीं है और हमने ये पढ़ा भी नहीं था। एक बार एक बूंद गिरता है 1 रुपये का नुकसान। हर जगह जाके रोना है बस मुझे। पैसे मत कमाओ भाई, मेहनत मत करो, पैसे मत कमाओ। Hello guys, this is our room for today. Yes, you're right. कचरा फैला दिया है हमने। ये मार्शल ऑलरेडी हाई टू माई व्लॉग हो चुका है, शायद याद नहीं बोल दिया मैंने। हाई टू माई व्लॉग। हेलो गाइस। बताओ भाई, तब से व्लॉग कर रहा हूँ। मेरी बात कर रहा हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लीज टू माई चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत खस्ता हाल हालत में हम लोग यहाँ पे आए थे। रास्ते पर स्कूटी चला कर थक गए थे, पर पता नहीं कैसे एनर्जी आ गई, अचानक से मन किया कि जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और ये सामने, घर के सामने का व्यू देखो तुम, द बेस्ट व्यू रूम एट द चीपेस्ट प्राइस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग सोचते थे मैं बहुत अमीर हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्शल का भी तुम लोग सोचते हो बहुत अमीर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हम लोगों की झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है। शीशे में देख रहा हूँ मैं अपने आप को ऐसे, जब मैं घुमाता हूँ तो स्क्रीन दिखती है ना मेरे को, तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। आई लुक डिसेंट, बस बालों की हालत थोड़ी ख़राब है। हेलमेट पहना था ना पूरे रास्ते, तो ऐसी तैसी हो गई, बट इट्स ओके। लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लुकिंग स्टाइलिश। अभी हमने यहाँ पे कुछ फोटोज ली हैं और हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय। मार्शल ऑलरेडी वहाँ स्कूटी के पास वेट कर रहा है, और अब हम निकलने वाले हैं कुछ खाने वाने के लिए। खा पी करके फिर हम बीच पे जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, और फिर हम निकल जाएंगे वापस होटल की तरफ, मतलब बैक टू होटल। यहाँ पे लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी है और कुछ मस्त फोटोज़ खींची है। मुझे नहीं पता अभी इंस्टाग्राम पे मैं डालूंगा कि नहीं, वो फ़ोटोज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर फ़ोटोज़ अच्छी होगी और एडिटिंग के बाद भी अच्छी होगी तो 60% चांस है कि मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँ। उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी ये रही, डू गिव अ फॉलो। तो ज़्यादा क्या बेरा था, देख सकते हैं गूगल मैप पे कलंगूट बीच का मेन रास्ता दूसरा है ना, तो हमेशा की तरह सैटेलाइट मोड ऑन किया, शॉर्टकट मार के आ गए। थोड़ा सा शांत एरिया है क्योंकि उधर की साइड मेन कलंगूट बीच है, जहाँ पे सारी टूरिस्ट वाली पब्लिक उधर जाती है, और हम इधर आ गए। पूरा खाली है भाई, पीसफुल। सामने हमारे समुंदर में नहा के
तू और भी नमकीन हो गई, सॉल्टी हो गई। फिशरमैन बीच शेक। क्या खाली है भाई, हाँ कौन सा उधर है, कलंगूट आगे है, वो जो इतना भीड़ दिख रहा है ना वो है। मैं दो लौंडे घूम रहे देखो गाइस, देखो गाइस कपल वाली जगह में। चेस डाइट डाइट कोक। तो लम्हों में जीता कहां जा रहा था। अरे रिकॉर्डिंग होनी है। अरे जी हाँ दोस्तों, और ये है एक अननोन बीच, काफ़ी खाली है और टाइम हो चुका है सुबह के, टाइम हो चुका है सुबह के 6:15। एक गाना है, अभी अभी प्रैक्टिस करी है रात में थोड़ी सी देर, और अभी इधर इधर शूट करूँगा। हाँ मैचिंग कपड़े पहन लिए इस गाने के हिसाब से, बस ये डांस हो जाए। ऐसे पैर मूव करने में कोई प्रॉब्लम तो बहुत है, मिट्टी में मूव ही नहीं होते है, डांस कैसे करूँगा। इधर रखता हूँ मैं फोन को, वीडियो बन रही बहुत भयंकर। Guys, done with a wonderful shoot of my video. I hope कि आपको अच्छी लगेगी जब मैं Instagram पर डाल दूंगा। अब तक तो मेरे फॉलोवर से देख भी लिया होगा और 10 लाइक भी आ चुके होंगे। इधर से हम जाएंगे अभी स्विमिंग पूल में नहा के, तू और भी स्विमिंग पूल में नहाने। बीच में नहाने का प्लान था पर अब टाइम नहीं है, 10 बजे चेकआउट भी करना है और फिर वापस पहुंचना भी है, आज की ट्रेन भी है, 10:30 तक कल सुबह फ्लाइट भी है। हाँ 10:30 तक चलेगा, चेकआउट करके पारा रोड चलेगा क्या, रास्ते में पड़ता है क्या, तो रास्ते में पारा रोड भी जाएंगे हम और वहाँ से होके एक दो फोटो खींच के निकल जाएंगे। कितना घंटा लगा था कल आने में हमको भाई, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 40 किलोमीटर के लिए ठीक है, और जाते वक्त भी 1.5 घंटा, 11, 12, 1, 2। एंड वी आर बैक टू आवर होटल रूम। उधर है पूल, मार्शल गया पूल पे पानी चेक करने के लिए कि पानी ठंडा तो नहीं है, वैसे ठंडा हो गर्म नहाना तो है ही। और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल रूम में, शॉर्ट्स वगैरह पहनते ठीक है, और कैमरा है ही, पूल पे भी फोटो खींच ली जाएगी, पूल पे भी फोटोज खींच ली जाएगी। That's the key, not to the success but my room। हम आ गए हैं स्विमिंग पूल और यहाँ पे एक मछली पानी में जाएगी छपा दो मछली पानी में जाएगी छपा। हमने पोहा और चाय ऑर्डर करी है, अब उन्होंने बोला 15 मिनट लगेगा, इतने हम फोटोज खींच लेते हैं, मज़ा आ जाएगा नहाने में। पूल वैसे थोड़ा सा गंदा है थोड़ा सा, पर अपने लॉन्डो को सब चलता है। कितनी है इसकी, 5 फिट से कम लग रही है मुझे, है उधर फोटोज के अच्छे अच्छे आइडियाज हैं अपने पास। अरे हाँ मैंने अभी एक, वाह भाई साहब एक नंबर का, एक मतलब सुपर स्मार्ट लड़का देखा भाई, इतना हैंडसम लग रहा था। रुको तुमको दिखाता हूँ, ले दिख जाएगा तो दिखा देता हूँ। अरे ये रहा, देखा बोला था ना एकदम हीरो लग रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, तुम खुद फैसला करो। ये देखो एक मिनट रुको, अरे रुक जाओ मैं सबूत दे रहा हूँ तुम्हें, रुको एक मिनट, ये देखो है कहीं ऐसा चेहरा। हमारा चाय पोहा हो गया है और फोटोज भी काफी क्लिक कर लिए। ये पोहा छोड़ो क्यों भाई,
बहुत रईस हो गया क्या भाई? Yo boy, I am singing song. Soup song. Why the collaboration? Soup song, club song. White skin, girl, girl. Here only boys. Girl heart, black. Time? What's the time? टाइम बुरा चल रहा है देख के नहीं लग रहा होगा। देखो गाइस मैं सच नहीं बोल, बहुत सच बोल रहा हूँ। हम लोगों को देखो यहाँ पे पैसा मत कमाना गाइस, पैसा मत कमाना, बहुत ऐसे गंदे पानी में नहाना पड़ता है। पैसा कमाओगे तो फिर इंजॉय करना पड़ेगा, घूमने उमने जाना पड़ेगा। एक मछली पानी में गई दो मछली पानी में गई हम निकलते हैं अभी, पार्किंग के 50 रुपीज पे कर रहा है मार्शल। ऐसे यहाँ पे स्कूटीज रोकना अलाउड नहीं है और हमने ये पढ़ा भी नहीं था। ये देखो वहाँ पे लगा हुआ है और हम निकल रहे हैं बैक टू पोंडा। और एक सेकंड आपको जूम करके दिखाया जाएगा। अरे हट गया। दो कपल थे बीच में फोटोशूट जो कर रहे थे और उधर भी काफ़ी सारे लोग अपना फोटोशूट कर रहे हैं। और ये है पारा रोड। ऐसे पारा रोड मेन वाला वो है पर ये लोकेशन फेमस है पारा रोड की, नाम एग्जैक्टली पारा रोड ही है शायद। और कई मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है यहाँ पर। धूप बहुत तगड़ी लग रही है, आगे चल रही है, निकलते हैं चले। घाटा लग गया यार, साला 4 दिन में 50 का प्रॉफिट भी नहीं हुआ। हो गया यही तो है, हम लोग खाली जगह खिंचाएंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मुंबई और अब मेरा यहाँ पे ऑडिशन है डांस इंडिया डांस का। उसके बाद मेरा ऑडिशन है सिंगिंग वाला, कौन सा है मुझे नहीं पता उसका। उसके बाद भी है 2-3 ऑडिशंस, साथ में ग्लिसरीन लेके आया हूँ। हर जगह जाके रोना है बस मुझे, होपफुली किसी एक में सेलेक्ट हो जाऊँगा रोते रोते। सिंगिंग वाले में सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। Just kidding guys। और अभी मैं हूँ जुहू बीच पे और टर्मिनल 1 से मेरी फ्लाइट है छत्रपति एयरपोर्ट से। और अभी सुबह के कितने बजे है, 5:30 सुबह के 5:30 बजे है और तारीख है आज 23 फ़रवरी 2024 और मेरी फ्लाइट है काफ़ी देर है, अभी 12 बजे है। तो मैं आ गया जू बीच पे, 1 घंटा टाइम पास करके एयरपोर्ट जाके अपना वेब सीरीज़ देखूँगा, थोड़े काम वाम निपटा लूँगा। उसके बाद हाँ, मुंबई से मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट दिल्ली की नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट मेरे को मिली नहीं क्योंकि वो 300 रुपये महंगी थी। तो 300 रुपये बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं ली, कनेक्टिंग फ़्लाइट ले ली।
अभी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे मुंबई टर्मिनल 1, और काफ़ी हेक्टिक ट्रैवल हो गया फिर से हर बार की तरह, क्योंकि मैं ट्रेन से आया स्लीपर क्लास और फिर हालत हो गई टाइट। ऊपर से पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी, टीटी से भी बहस हो गई मेरी। तो सारे टीटी अपने आप को पता नहीं क्या समझते, समझ में नहीं आता है, पर मैंने बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात करी तो मान गए, पर ठीक है जो भी है। और फिर मैं यहाँ पे आया, रास्ते में कहीं मेरे को कुछ ऐसा मिला नहीं जहाँ पे मैं फ्रेश हो जाऊँ अपना और चेंज कर लूँ। हालांकि फ़्लाइट मेरी 12 बजे की है, मैं जू बीच पे और रुक जाता अगर मुझे कुछ मिलता, सनग्लास हट तो मैं रुक जाता, पर मुझे कुछ मिला नहीं। अभी इतने ना गंदे मूड के साथ मैं क्या करता, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं एयरपोर्ट ही चले जाते हैं। और फिर मैं एयरपोर्ट पे ही आ गया, फिर जा कर के अपना फेस वॉश किया, कपड़े भी चेंज कर लिए, उसमें से स्मेल आने लग गई थी, और चप्पल भी रख दिया, जूते पहन लिए, थोड़ा चलने में कंफर्टेबल होता कि क्योंकि अब मैं एयरपोर्ट पे वॉक करूँगा 1 घंटा, कैलरी बर्न करूँगा, और थोड़ा सा काम है वो काम भी निपटा लूँगा। अब काफ़ी फ्रेश हो चुका हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं ब्रश तो ले गया अपने साथ पर कोलगेट लाना भूल गया, और ख़रीदने का मेरा मूड नहीं था, मैंने हैप्पीडेंट खा लिया, वही चबा रहा हूँ तब से। बस ऐसे ही चारों तरफ वॉक करता रहूँगा, एकदम खुले में व्लॉग करूँगा, और सब लोग मेरे को घूरते रहेंगे। पर ठीक है, मतलब ऐसे चलते चलते मतलब बैकग्राउंड में तुम्हें एयरपोर्ट दिख रहा होगा, तो तुम देख लो ये एयरपोर्ट है कैसा। हाँ, साथ में मेरा चेहरा देखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है क्योंकि चैनल ही मेरा है, मेरे चैनल पे आओ तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। मैं एयरपोर्ट से कभी कुछ मत खरीदना जब तक कि तुम्हारे पास अंधा पैसा ना हो, 4 iPhone खरीदने की औकात हो तो यहाँ से 1 sunglass ले लेना। Let me show you something else. हल्दीराम का स्टॉल, स्टॉल बोल रहा हूँ, रेडी साला कोई पकड़ के मारे ना, हल्दीराम की रेडी थी वहाँ पे। देखो हमेशा रोड वाली रेडी से खरीदो, एयरपोर्ट वाली रेडी पे बहुत महंगा मिलता है। तो गाइस इसे कहते हैं असली रईसी। अब हम करने वाले हैं बोर्ड, टाइम हो चुका है 1:25, 12:30 की फ़्लाइट थी, 1 घंटा डिले है। मैं हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट पे और एक लोचा हो गया गाइस। लोचा ये हुआ है कि जिस फ्लाइट से मुझे जाना था वो 3:35 की थी, जो मुझे दिल्ली पहुँचाती हैदराबाद से, और जिस फ्लाइट से मैं आया उसे मुझे उसने मुझे
3:35 के बाद यहाँ पे पहुँचाया, हालांकि वो डिले हो गई तो वो 2:30 बजे पहुँचाती, पर डिले हो गई। फ्लाइट रीशेड्यूल करवाई, पूरे दिन का शेड्यूल ख़राब हो गया, मतलब रात का। मैं हैक्टिक शेड्यूल हो गया ना गाइस, मैं सब थोड़ा फेस वॉश करके फ्रेश होके जाता हूँ। ये वाला मिरर मस्त है भाई। तो गाइस गेट नंबर 118 उसके भी आगे है। 150 की चाय में से एक बूंद गिर गया, मतलब 149 रुपये की चाय बची है अभी इसमें। अब आराम से चलूँगा, एक बार एक बूंद गिरता है 1 रुपये का नुकसान। ट्रेन में जाओ तो ट्रेन लेट, फ्लाइट में जाओ तो फ्लाइट डिले, बैगेज लेने आओ तो बैग लेट। मेरा तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। और अगर मेट्रो छूट गई, मतलब लेट हो गया, तो मेट्रो से नहीं जा पाऊँगा, कैब करनी पड़ेगी। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और हाँ, और वीडियोज़ में कुछ अच्छा लगा हो या कुछ ख़राब लगा हो या किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे मत बताओ, सीधा कमेंट करो। और अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा है और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने वाला है कि भाई व्लॉग अच्छा था, एक डंडा मारूंगा पिछवाड़े पे। कमेंट करा करो, पर्सनली मेरे को सजेशन में और एडवाइस मत दिया करो, कमेंट मारो। हाँ वो गली चली गई, अब मेरी वाली भी आने वाली, मेट्रो मेट्रो मेरी वाली भी आने वाली होगी मेट्रो। चलो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, बाय।